हाय गाइस, मैं हूं वसीम और आज आप देखेंगे नार्जो 30 वर्सेस टेक्नो पोवा 2 का डिटेल कंपैरिजन। आज करने वाले हैं फ्री फायर का। यहां पे गाइस हम टच रिस्पांस, स्मूथनेस, ब्राइटनेस, एफपीएस का कंप्लीट टेस्ट करेंगे डिटेल में। और गाइस यहां पे दोनों ही 464 वाले वेरिएंट है। G95 मिलता है नार्जो 30 में और G85 हमें मिलता है पोवा 2 में। तो देखते हैं कौन कितना बेटर होता है। वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब करते हैं हम शुरू। तो दोस्त ये रहे हमारे दोनों फोन्स जो कि डिज़ाइन वाइज काफ़ी मस्त लगते हैं दोनों के दोनों ही गाइस। और यहाँ पे गाइस चलिए अब चलते हैं सामने की तरफ। यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आपको क्या कंपेयर कर दूँ ब्राइटनेस को। ओके, तो गाइस यहाँ से हम सिंपली चलते हैं सेटिंग में। ओके, तो यहाँ से हम सेटिंग में चलते हैं और गाइस ब्राइटनेस को कर देते हैं फुल ताकि हम देख सकें। तो गाइस यहाँ पे हमने कर दिया ब्राइटनेस को फुल। और गाइस यहाँ पे देखेंगे नार्जो 30 जो है काफ़ी ज़्यादा अनविजिबल है, मतलब जो भी लिखा हुआ है तो इससे ये महसूस होता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है पोवा 2 से। काफ़ी ज़्यादा नहीं बट पोवा 2 से ब्राइट है। बट गाइस आप अपनी आँखों से बिल्कुल ही देख सकते हैं, ऐसे कैमरा में आपको सिर्फ वाइट दिख रहा है गाइस, बट अपनी आँखों से आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्प्ले किसका ब्राइट देखने को मिलता है। जैसे गाइस आपने देख लिया कि नार्जो 30 बेटर है। गाइस यहाँ से चलते हैं हम फ्री फायर में। वैसे हमने स्पीड टेस्ट भी किया था इन दोनों फोन्स के बीच में, तो वो वीडियो भी आप चाहें तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा दोस्त। यहाँ पे गाइस आ चुके हैं फ्री फायर में। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ, ये हमारा नार्जो 30। और गाइस यहाँ से चलते हैं हम सेटिंग में और यहाँ पे देखेंगे सेंसिटिविटी, सभी चीज़ें को हाई पे ऑलरेडी कर रखी है। एंड अब चलते हैं हम पोवा 2 के तरफ। तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम सेटिंग में और यहाँ पे भी देखेंगे सभी सेटिंग्स को हमने ऑलरेडी हाई पे कर रखा है। आई डोंट नो, इस यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा पोवा 2 है और काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि फेक वीडियो, सो दिखाना पड़ता है। इस यहाँ पे चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं नार्जो 30 की टच रिस्पांस के बारे में। तो इस यहाँ पे टच रिस्पांस में मुझे कोई भी आई थिंक इशू देखने को नहीं मिली। काफ़ी मस्त परफॉर्म करता है यहाँ पे गाइस। टच रिस्पांस इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब सेम एज जो अच्छे फ़ोन वर्क करते हैं वैसा ही गाइस वर्क करता है। कोई भी लैग, स्टटर, जर्किंग्स बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है और टच इशू बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता है। पोवा 2 की बात करें गाइस तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा। वैसे मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ बट काफ़ी ज़्यादा गेम प्ले कर चुका हूँ फ्री फायर टेस्ट, वैसे दोनों ही की कर दिए, तो वो वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी टच रिस्पांस में कोई डिफरेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही हैं दोनों। क्योंकि फ्री फायर ही जब उतना ही औकात है फ्री फायर का, तो ये सब जो प्रोसेसर्स हैं दोनों में ये सपोर्ट कर लेते हैं उतनी औकात को, तो इसीलिए इनमें कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे बात करते हैं नार्जो 30 की स्मूथनेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे स्मूथनेस सबसे पहले तो डिपेंड करता है ग्लास पे, मतलब डिस्प्ले पे। वैसे स्मूथनेस सेंसिटिविटी जो देखने को मिलती है उसके थ्रू ही ज़्यादा महसूस होता है। तो गाइस ग्लास अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ होगा, तो स्मूथनेस में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। स्मूथनेस में मुझे सही लगा क्योंकि इस पर ग्लास अटैच नहीं है, फिर भी काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है गाइस। और गाइस यहाँ पे बात करें तो सेंसिटिविटी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, सेंसिटिविटी में भी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। और गाइस डिस्प्ले पे हमने ग्लास नहीं अटैच कराया है, ये जो कंपनी वाले यानी कि ब्रांड वाले जो ऑलरेडी प्लास्टिक के जैसा अटैच किए रहते हैं वही है, बट गाइस यहाँ पे सेंसिटिविटी और स्मूथनेस काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर दे रहा है। तो अगर ग्लास हम अटैच कराएंगे तो उसमें भी आपको और थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा ग्लास की वजह से, बट ये भी गाइस काफ़ी सही है, यहाँ पे कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे गाइस पसीने आपको फील नहीं होंगे जब आप गेमिंग करेंगे उस टाइम पे। पोवा 2 की बात करें तो गाइस यहाँ पे भी स्मूथनेस सिमिलर ही देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं मुझे लगा। यहाँ पे भी ग्लास अटैच नहीं है, जो ब्रांड वाले चिपकाए हैं वही है, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी ही देखने को मिल रही है क्योंकि फ्री फायर ही सिमिलर है ना, मतलब ये प्रोसेसर इतना, मतलब इस प्रोसेसर की इतनी औकात है कि फ्री फायर को अच्छे से हैंडल कर लेगे, तो दोनों ही फोन हैंडल कर लेते हैं तो इसके वजह से कोई भी फर्क पता नहीं चलता। वही अगर BGMI की बात करें तो वहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे फ्री फायर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेंसिटिविटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, टच रिस्पॉन्स में कोई इशू था नहीं, स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और दोनों ही मतलब सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो नार्जो 30 आपको बेटर होगा क्योंकि रियलमी का जो सॉफ्टवेयर होगा वो थोड़ा बेहतर है पोवा से, इन्फिनिक्स से, ऐसा कुछ गाइस। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं FPS के बारे में। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने स्लोमो में ये रिकॉर्ड किया और गाइस आप देखेंगे काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देखेंगे दोनों में FPS काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही प्रोवाइड हो रही है, तो कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। आप कोई भी चूज़ करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, बट गाइस गेमिंग के लिए मैं सही से कहूँ तो गाइस
स्पोवा 2 ही लीजिएगा, बिकॉज नार्जो 30 में आई थिंक हीटिंग इशू है जब रिकॉर्डिंग करके प्ले करते हैं उस टाइम पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पोवा 2, कम प्राइस में आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी चीज़ें। और यही रहता है पोवा 2 में कि स्पीकर थोड़ी सी पीछे रह जाती है, नहीं तो और चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा।